तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट, और मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आप में से जो कोई भी वेब ऐप डेवलपमेंट करते हैं इन द एक्लिप्स एनवायरनमेंट, वहां पे आप टॉमकैट सर्वर का जरूर जरूर इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि उसके बिना थोड़ा डेवलपमेंट पार्ट मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि टॉमकैट सर्वर इस पार्ट को बहुत ईजी कर देता है, और ये बहुत ईजी है टॉमकैट सर्वर को यूज़ करना फ्रेंड्स। लेकिन टॉमकैट सर्वर हमें बहुत हद तक परेशान भी करता है। वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि बार बार जब हम टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं आफ्टर सेटिंग द सर्वर टॉमकैट सर्वर को जब भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ओपन करने की या स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, वो बताता है कि पोर्ट नंबर इज ऑलरेडी इन यूज, सो टॉमकैट सर्वर कैन नॉट बी स्टार्टेड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो भी वेब ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं यूजिंग टॉमकैट सर्वर। तो चलिए मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक वेब ऐप डेवलपमेंट कर रखा है, और यहाँ पर मेरा टॉमकैट सर्वर वर्जन 8.5 है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला, अगर आप टॉमकैट सर्वर के साथ काम कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि टॉमकैट सर्वर का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 8080, और हमें इसे कतई भी चेंज नहीं करना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, आपको बाद में जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे सर्वर अभी स्टॉप है। मैं यहाँ पे अपने सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, और क्या प्रॉब्लम होता है वो देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, और जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम अकर्ड का पॉपअप आ गया है। वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग टॉमकैट वर्जन 8.5, जो मेरा वर्जन है टॉमकैट का, सर्वर एट लोकल होस्ट हैज इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, पोर्ट नंबर 8080 रिक्वायर्ड बाय टॉमकैट वर्जन 8.5, सर्वर एट लोकल होस्ट इज ऑलरेडी इन यूज। सो फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि जो वर्जन 8.5 टॉमकैट वर्जन 8.5 का जो पोर्ट नंबर 8080 है वो ऑलरेडी इन यूज है, इसलिए हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को पहले समझिए दोस्तों, ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है। ये प्रॉब्लम जैसे हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एक कार रेंटर हूँ, ठीक है, मैं एक कार रेंटर हूँ, मेरे पास एक कार है जो मैं रेंट करता हूँ लोगों को। मेरे पास पर्सन ए आया, मैं उस कार को, पर्सन वो मुझे बोला कि मैं क्या ये कार रेंट कर सकता हूँ, मैं बोला हाँ, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, जाओ ले जाओ मेरा कार। मैंने उसे वो कार रेंट कर दिया, ठीक है, मेरे पास एक ही कार था दोस्तों, याद रखना, मेरे पास एक ही कार था, मैंने पर्सन ए को रेंट कर दिया। अभी क्या हुआ, कुछ देर बाद मेरे पास पर्सन भी आता है, वो बोलता है कि आप एक कार रेंटर हो, मैं कहा हाँ मैं एक कार रेंटर हूँ। वो बोला क्या आप मुझे अपनी कार रेंट कर सकते हैं, हम बोले हाँ कार रेंट कर सकते हैं, ले जाओ। तो वो मुझे बोलेगा कहाँ से ले जाऊँ, आपके पास तो कार है ही नहीं है, वो तो पर्सन ए ले गया है। मैंने बोला अच्छा, मैंने तो पर्सन ए को कार दिया था और अभी उसे लेना वापस लेना भूल ही गया। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम तो अपने टॉमकैट सर्वर को सेटअप करते हैं और उसके बाद उसे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपने सबसे पहली बार टॉमकैट सर्वर को सेटअप किया, अगर आपने सही सही सेटअप किया होगा तो आपका पहली बार में टॉमकैट सर्वर बिल्कुल रन करेगा, क्योंकि एट फर्स्ट टाइम पोर्ट नंबर 8080 होता है वो फ्री होता है। ऐसा मानिए कि अगर आप एक कार रेंटर हैं, अगर आपसे किसी ने भी अभी तक कोई कार रेंट नहीं किया है तो आपका कार आप ही के पास होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आप पहली बार टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो जो पोर्ट नंबर 8080 है वो पक्का फ्री होगा, इसलिए आपका सर्वर मोस्ट प्रोबेबली रन हो जाएगा। लेकिन दूसरे बार क्या होता है, आप मान लीजिए पहली बार है ना उस सर्वर को रन कर लिए, ठीक है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप गलती क्या करते हैं, एक बार सर्वर स्टार्ट होने के बाद आप उस सर्वर को, यहाँ पे एक रेड बटन आता है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरा अभी डिसेबल है क्योंकि मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं है, ये जो रेड बटन है आप इसे स्टॉप करना, यानी अपने सर्वर को स्टॉप करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली एक्लिप्स को कट कर देते हैं, ये क्रॉस बटन से, ये क्लोज बटन से एक्लिप्स को डायरेक्टली कट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रीवियस जो आपका प्रीवियस सेशन था, एक्लिप्स का जो प्रीवियस सेशन था, उसमें आपने अपने पोर्ट नंबर को एक सेशन को दिया और उससे वापस लेना भूल गए। अभी आप क्या हुआ, दूसरे बार एक्लिप्स को ओपन करते हैं और वापस से सर्वर को रन करते हैं, तो कहाँ से आपका वो पोर्ट नंबर वापस रन करेगा, उस पोर्ट नंबर पे वो सर्वर उस पोर्ट नंबर कैसे रन करेगा, क्योंकि वो अभी तक वो पोर्ट नंबर पिछले सेशन पर अटका हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने क्या किया, टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट किया था और डायरेक्टली बिना सर्वर को स्टॉप किया डायरेक्टली मैंने एक्लिप्स को कट कर दिया। तो अभी दोस्तों दो सॉल्यूशन है, जिसमें से एक सॉल्यूशन बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, और एक सॉल्यूशन माइंड बॉगलिंग होता है, कुछ भी होता है वो है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है जो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो सर्वर है वहाँ पे सर्वर पैनल पे, यानी ये जो सर्वर है, आप राइट क्लिक कीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे सर्वर विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो आपके पोर्ट नेम टेबल के अंदर सेकेंड ऑप्शन है http://1.1, यहाँ जो 8080 पोर्ट नंबर है आप इसे बाई डिफॉल्ट 8080 है, उसे 8081 कर दें, या 8082 कर दें, या 8083 कर दें, और Ctrl+S करके सेव कर दें। और अब आप अपने सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करें तो आपका सर्वर जरूर स्टार्ट हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपका सर्वर जरूर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि आप अपने पोर्ट नंबर डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 से हट के ना जाए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक स्टेटमेंट बोला था कि टॉमकैट सर्वर का
डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होता है और इसे कतई चेंज ना करें। क्यों, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं इसका एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक कंपनी के लिए वेब ऐप डेवलपमेंट कर रहा था, वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, तो वेब ऐप डेवलपमेंट मुझे करना था। उन्होंने मुझे पहले ही वार्निंग दे रखा था कि अगर आप पोर्ट नंबर 8080 टॉमकैट के पोर्ट नंबर 8080 से हट के अगर किसी अदर पोर्ट नंबर पर आप अगर अपना डेवलपमेंट करते हैं तो याद रखिए हमारे कंपनी में जो आपका टेस्टिंग होगा आपके ऐप का वेब ऐप का वो 8080 पोर्ट नंबर पर होगा। अगर आपका पोर्ट नंबर रन अगर आपका वेब ऐप रन नहीं किया उस पोर्ट नंबर पे तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक कंपनी का सिनेरियो नहीं है, ये हर कंपनी का सिनेरियो। अगर आप टॉमकैट सर्वर के साथ वर्क करते हैं तो आपका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते और ये सॉल्यूशन बिल्कुल बेकार था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपने लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप बस है ना वेब ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो आप हाँ इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप इसे नहीं जानते, इस कंसेप्ट को नहीं जानते, एट मान लीजिए कि मैं इसे अभी फिर से है ना कि मैं बोलता अरे मैं किसी कंपनी के लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए काम कर रहा हूँ, चलो इसे 8082 बना देता हूँ और इसे कंट्रोल प्लस एस सेव किया, मैंने अभी सर्वर को रन किया, सर्वर मेरा रन हो गया, लेकिन फिर से मैं वही गलती करता हूँ कि सर्वर को स्टॉप किए बिना वापस इक्लिप्स को कट कर दूंगा, तो फिर से मेरा हो सकता है कि अगले बार आपका रन कर जाए। लेकिन कुछ देर बाद जब आपका रेगुलरली बिजी होते जाएगा पोर्ट नंबर, फिर से यही प्रॉब्लम बताएगा कि पोर्ट नंबर 8082 कैन नॉट बी ओपन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि इस जो सॉल्यूशन आप इसको बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। और मैं आपको एक बेहतर सॉल्यूशन इसे बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मेरा अभी पोर्ट नंबर 8080 है बाई डिफॉल्ट, मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया और अब मुझे उसे जो प्रीवियस सेशन का जो पोर्ट नंबर है मुझे उसे किल करना है, ठीक है, क्योंकि अब वो स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो अभी हमें उसे फोर्सेबली मारना पड़ेगा यानी किल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, आपका बाई डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ओपन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए और अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं ओपन करेंगे तो आपका जो पोर्ट नंबर 8080 है वो किल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करता हूँ और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। चलिए इसने मुझे पॉपअप भेजा, मैंने वहाँ पर यस क्लिक कर दिया। अभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा कमांड लिखना है, नेट स्टैट हाइफन ANO स्लैश नहीं है, सेपरेट है या स्ट्रेट लाइन जिस जो भी बोलते हैं आप उसको, फाइंड str और अपना पोर्ट नंबर यानी 8080, ठीक है। ये कमांड, सॉरी मैं अपने माउस पॉइंटर हटा देता हूँ, अब आप देख लीजिए नेट स्टैट हाइफन ANO और वो जो सीधा लाइन रहता है फाइंड str 8080, ठीक है। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, एंटर मार देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस कमांड को एंटर किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मुझे आपको आप ये सब TCP क्या होता है, 0.0.0.8080 क्या होता है, ये सबको छोड़ दीजिए, आखिरी में बस ये 4856 जो मेरा दो बार दिया हुआ है इसे देखिए। इसका मतलब है मेरा जो पोर्ट नंबर 8080 है इस 4856 में फंसा हुआ है, ठीक है। ये प्रीवियस सेशन में अभी तक लाइव है, मुझे ये 4856 जो इसका पेरेंट आईडी है, ठीक है, 8080 जो मेरा पोर्ट नंबर है उसका जो पेरेंट आईडी 4856 है मुझे उसे किल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा 8080 पोर्ट नंबर फ्री हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टास्क किल और फॉरवर्ड स्लैश पेरेंट आईडी यानी PID, टास्क किल फॉरवर्ड स्लैश PID ना जो पेरेंट आईडी आपको मिला है 4856, हो सकता है आपको दूसरा मिले, ये मुझे मिला है 4856, आपको दूसरा मिले 4856 -F। शायद मैंने अगर सही लिखा हो कमांड तो ये बिल्कुल सही होगा, आप देख लीजिए टास्क किल फॉरवर्ड स्लैश PID, आप मेरे साथ लिखते भी जाइए ताकि आपका भी होते जाए मेरा भी होते जाए 4856। यहाँ पे याद रखिएगा आपका जो पोर्ट नंबर होता है पेरेंट आईडी होता है वो आपका हो सकता है कि दूसरा हो, ठीक है, सेम बिल्कुल ना हो, मतलब सेम आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे शायद मैंने एक चीज़ गड़बड़ी कर दी है कि PID जो है उसके साथ बैक स्लैश होगा और ये जो -F है -F नहीं होगा, यहाँ पे भी बैक स्लैश होगा। चलिए मैं सेंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे क्या बोल रहा है कि सक्सेस द प्रोसेस विद PID 4856 हैज बीन टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो प्रोसेस आईडी
पेरेंट प्रोसेस आईडी नहीं था, अगर मैंने पेरेंट प्रोसेस आईडी बोल दिया होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रोसेस आईडी जो आपका 4856 है, क्योंकि हर पोर्ट नंबर, जब भी आप एक सर्वर को पोर्ट नंबर के साथ एसोसिएट करके रन करते हैं तो वो पोर्ट नंबर डायरेक्टली रन नहीं हो सकता है, उसे एक प्रोसेस आईडी जरूर, वो एक प्रोसेस बनता है तो उसे एक उसके साथ एक प्रोसेस आईडी जरूर जुड़ जाता है, ठीक है। तो अभी हमें अगर पोर्ट नंबर 8080 को किल करना था तो उसके हम उसे डायरेक्टली तो किल नहीं कर सकते, हमें उसका प्रोसेस आईडी एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। तो इसके लिए यही कमांड था, netstat -no और ये आपका स्ट्रेट स्लैश फाइनेंसटीआर 8080 स्ट्रेट लाइन फाइनेंसटीआर 8080। तो यहाँ से हमें उसका प्रोसेस आईडी मिल गया। अभी हम प्रोसेस आईडी को टास्क किल /PID 4856 /F, यहाँ से हम उसे जैसे ही इस कमांड को रन किया तो यह हमें ये मैसेज दे रहा है कि सक्सेस द प्रोसेस विद प्रोसेस आईडी 4856 हैज बीन टर्मिनेटेड। तो चलिए इतना कर लेने के बाद आप ये कमांड को एक बार अच्छा से रन कर लिए तभी आप आगे बढ़िएगा। पॉज कर लीजिए और एक बार मेरे इस कमांड को देख लीजिए। इस कमांड को netstat -no और स्ट्रेट स्लैश फाइनेंसटीआर 8080 और ये इस कमांड को टास्क किल /PID अपना जो पोर्ट नंबर आपको अपना जो प्रोसेस आईडी आपको यहाँ से मिला है इस कमांड को रन करने के बाद और /F यहाँ से एक बार आपको अगर आपको सक्सेस का मैसेज मिलता है मतलब आप बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सक्सेस का मैसेज नहीं मिलता है, आपको मैसेज मिलता है कि डिनाइड मीन सर्विस डिनाइड, आप ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं खोले हैं, ठीक है। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना बहुत जरूरी है। एक बार मेरा ये हो जाता है, मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं इसे वापस रन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है और इस बार मुझे वो वैसा मैसेज अभी तक नहीं आया और आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि मैंने अपने पोर्ट नंबर 8080 को पहले क्लोज करना भूल गया था, डायरेक्टली एक्लिप्स को बंद कर दिया तो मेरा पोर्ट नंबर वहाँ पे बिजी रह गया था, तो उसे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके दो कमांड लिख के उसे किल करना पड़ा और वापस मुझे यहाँ मैंने यहाँ पे आके सर्वर को स्टार्ट किया तो इस बार स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों अगले बार से आपकी बार से आप ये गलती मत करना कि आप डायरेक्टली अगर आपका सर्वर स्टार्ट है और आपका काम खत्म हो गया, आप एक्लिप्स को बंद कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे कि मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर स्टार्टेड है, आप यहाँ पे जाके सर्वर को ये रेड बटन से पहले स्टॉप कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे सर्वर को स्टॉप किया, आप जाके अपने एक्लिप्स को काटिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट बार हम जब एक्लिप्स को खोलेंगे तो हमारा सर्वर बिल्कुल सही रन करेगा और पोर्ट बिजी नहीं बताएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा लंबा जरूर हो गया था लेकिन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए कि कैसे सर्वर को सेटअप करते हैं, टॉमकैट सर्वर को सेटअप करते हैं एक्लिप्स एनवायरनमेंट में वर्जन 8.5 वर्जन 9 कोई भी टॉमकैट सर्वर को कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि सर्वर बाय डिफॉल्ट हमारा वहाँ पे एक्लिप्स के विंडोज़ में नहीं आता, तो कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।